अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। तो बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट देखेंगे, ताकि अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उन सभी चीजों को आप यहाँ पर रिकॉल या रिवाइज कर सकें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी लंग एंड ऑप्शन डी ट्रेकिया। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ये बताना है कि जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पर मिल रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑप्शन ए एल्वियोलस, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी नेफ्रॉन एंड ऑप्शन डी रीनल पेल्विस। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से ये करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ये पहचानना है कि जो किडनी है उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेल्फीजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ विच टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ए ग्लोमेरुलस एंड हेनलेज लूप, बी ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्स्यूल, सी बोमेंस कैप्स्यूल एंड पीसीटी एंड डी पीसीटी एंड डीसीटी। तो आपको फिर से इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जो मेल्फीजियन बॉडी है वो कौन से दो पार्ट से मिलके बनी हुई है। हम यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द एंट्रेंस ऑफ ब्लड वेसल्स टू द किडनी इज कॉल्ड ऑप्शन ए हाइलम, ऑप्शन बी पिरामिड, ऑप्शन सी रीनल पेल्विस एंड ऑप्शन डी साइनस। तो जो एंट्रेंस है ब्लड वेसल्स की किडनी के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वासा रेक्टा इज फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए एफरेंट आर्टीरियोल, ऑप्शन बी पीसीटी, ऑप्शन सी एफरेंट आर्टीरियोल एंड ऑप्शन डी डीसीटी। तो जो वासा रेक्टा है वो किससे मिलके बनता है। हम फिर से यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और हमारे आंसर्स हैं ये, सॉल्यूशन 1 बी, सॉल्यूशन 2 सी, सॉल्यूशन 3 बी, सॉल्यूशन 4 ए, सॉल्यूशन 5 सी।